नमस्कार दोस्तों, साल 2023 16 दिसंबर में कुछ ऐसा होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आप सभी के? आज हम करने वाले हैं ब्रेन रिडल सॉल्व, जो कि 999.9% लोग कर ही नहीं पाए। और ज्योति, तो ज्योति को यहाँ हाजिर करते हैं। आ गई ज्योति। अब हम करने वाले हैं ब्रेन रिडल। नाम बताइए अपना। और नाम तो मैंने ही बता दिया। तो सब कुछ जो है इस टीवी में चलने वाला है, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप लोग बोलोगे साइड में नहीं आ रहा लेने से, कुछ नहीं है। हम इस टीवी में से देख के ब्रेन रिडल सॉल्व करेंगे। और हारने वाले को क्या दिया जाएगा ज्योति, बताओ? पूरी एक मिर्ची खानी पड़ेगी हारने वाले को, और जो जीतेगा उससे कुछ नहीं मिलेगा, बस हारने वाले को पनिशमेंट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। सारे नोटों को ट्रक में भर कर यहाँ पे लाया गया होगा। पुलिस आस पास सर्च करती है तो उन्हें पास में फार्म हाउस में तीन ट्रक मिलते हैं। पुलिस तुरंत जाना चाहती है कि कौन सा ट्रक रात को नकली नोट लेकर खेतों में आया था। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? बताओ, जो नोट जला हुआ था, ठीक है, देखो हम ना चीटिंग नहीं करने वाले, तुम्हारे आंखों के सामने ही बंद है, बताओ। और आपको साउंड भी आ जाएगा अगर मैंने कहीं भी चालू करा। कौन से गाड़ी ने किया होगा? भाई। तो बताओ ज्योति, कौन से वाले ट्रक ने किया ये? इन तीनों में से पुलिस वाले कैसे समझे बता दो आज। ये वाली, ये मेरे को पता है कौन सा लगता है, ये वाला, क्योंकि ये वाली गाड़ी होके आई है। देखो इसमें मिट्टी भी लगी हुई है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करो वीडियो को। क्या आप समझ पाए? सोचिए, देखा, एक एक सही हो गया, ज्योति का नहीं हुआ। चलिए अगले पहले में पुलिस चारों को चोरी करने के मामले में अरेस्ट कर लेती है। लेकिन चारों लोग कहते हैं कि वो स्टेडियम में डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच देख रहे थे, और वो लोग फिर पुलिस को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर बॉल कर रहा था। पुलिस फोटो पर, इसमें जो है ना, पहली आप भी सॉल्व करो और कमेंट पे भी हमें बताते, मतलब भेज देना, हम नहीं देखेंगे। और हम ना चीटिंग नहीं कर रहे, 100% रियल है। और हाँ, रिकॉर्ड उधर करेंगे, फेस रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि आज हम टीवी पे देख देख के कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो, देखती है फोटो पर रात की ली गई थी। लेकिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस समझ जाती है कि वो चारों लोग झूठ बोल रहे हैं। कैसे लॉजिकल आर्मी, फोटो में ऐसा क्या देख लिया जिससे पुलिस समझ गई कि वो झूठ बोल रहे हैं? बंद करो। आप लोग भी बताओ, हम भी बताते, बताइए कैसे समझे, क्यों समझे। पहली बात, फिर से मुझे ये क्वेश्चन सुनना पड़ेगा। 10 सेकंड पीछे करो, मैं भी एक बार क्वेश्चन सुन लेता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया। ये सोचिए, कौन था? सारे पास थे। वीडियो स्टार्ट करो, देखो भाई। फोटो के अंदर बॉलर व्हाइट बॉल से बोलिंग कर रहा है, लेकिन टेस्ट मैच तो हमेशा रेड या पिंक बॉल होती है। इसका मतलब है फोटो एडिट की गई है। पिटे पिटे सारे पिटे भाई, ये अब नहीं कर पाए। सो तुम भी नहीं किया। हाँ, मेहुल चोर का पीछा करते हुए कॉल तक पहुंच जाता है। बंद करो। घर के बाहर इनके बीच में ना, इसके स्टोरी में हमेशा मेन यही होता है, अपना मेहुल ये मेन होता है। ये अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर दिया, बस इधर से उधर घूम रही है। तो मेहुल ध्यान रखना, स्टार्ट करो। उनको एक बूढ़ा भी दिखाई देता है जो घर के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था। मेहुल उससे चोर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है यहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल भी कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ये तो मुझे भी नहीं पता।
ठीक है गाइस, अभी जो है ना सीन आया हुआ था कि अभी पूरा वीडियो कट गया था, तो फिर से हम स्टार्ट करते करो। सीन ये है, अभी आप सब समझ गए होंगे, एक जने का मर्डर हो चुका है। बंद करो 2 मिनट के लिए। एक जने का मर्डर हो चुका है, तीन चार जने इसके अंदर, उससे पूछताछ कर रहा है अपना म्यूल डिटेक्टिव हमेशा जो आ जाता है बीच में। ठीक है रुद्र, मैं ज्योति करने वाले हैं, और अभी तक मैंने एक से ही किया है शायद से, एक या दो से ही किया, वो वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है चलो स्टार्ट करो। रुद्र ने भी एक से ही किया, पर ज्योति ने अभी तक एक भी सही नहीं किया है। अपने कमरे में सो रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं डरा ही नहीं था। कौन है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि इसके टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है, और वो बिल्कुल वैसी ही सिगरेट है जो डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। मतलब ये आदमी, एक बार रोको, मरने से पहले प्लेन लेते जाए। घर पे उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अबे स्टार्ट तो कर, क्या है यार, कुछ भी चल रहा, कोई भी कहीं भी नाच रहा, मैं यहाँ होना फ्रेम में, तीनों बाहर में तुम कर क्या रहे हैं? देखो तुम्हें समझ आता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने कुड़ी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है, को मानस को या करण को? बंद करो भाई साहब, आपने अभी अभी सुना होगा आवाज आई होगी। पहले हम पूछेंगे रुद्र भैया से, बताइए। बंद करो मानस, क्यों? ये मालिक है और मालिक हमेशा गुस्से में रहता है और नौकर काम ना करे। अच्छा तुम बताइए, आप बताइए। ज्योति जी पॉइंट लेने का वक्त है। सलीम पे क्यों? बेमतलब किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। गजब बेइज्जती। बताओ, फेस तो इधर घुमाओ, कैमरे पे बोलिए। ये मानस खुश है भाई, मानस खुश है। तुम बताओ, अब मेरी बारी है, मैं बोलता हूँ। इसने ब्रेन लिखा है, एक कोने में बल्ब भी गिर रही थी और दूसरे कोने में आग भी जल रही थी। छोटू को बिना टच किए रूम के अंदर की कोई ऐसी चीज बतानी है जो असली नहीं है। छोटू 15-20 मिनट तक सब रूम के अंदर बहुत सारी चीजें चीज बतानी है जो असली नहीं है। छोटू 15-20 मिनट तक सब कुछ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी चीज नकली है। क्या आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं लॉजिकल आदमी क्या नकली है? बर्फ। बंद करो, बर्फ नकली है, बर्फ। अरे बंद कर। तो बताओ भाई क्या नकली हो सकता है? बर्फ। बर्फ नकली। हाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आग देख रहे हो आग लकड़ी पे। हाँ ये भी बात सही है, ये बात सही है। ऊपर है छत और छत के और छत होती है बंद। हाँ बर्फ है। लॉजिक लॉजिक का इस्तेमाल करो। पॉइंट मिलता है रुद्र को। लकड़ी के टेबल पे 20 मिनट से आग जल रही है। मेरा 2 पॉइंट है। होती तो आग टेबल पे लग जाती या आग फैल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आग नहीं है। चलिए अगली बात, गलत हो गया था। पुलिस के सामने 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वो इंडियन आर्मी से है, उन्होंने इसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। तीनों देखने में फिजिकली स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस तीनों के आईडी कार्ड मांगती है, ये है पहले का आईडी कार्ड, ये दूसरे का आईडी कार्ड और ये तीसरे का आईडी कार्ड। तीन का आईडी, आप तीनों आईडी कार्ड को देख के बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? बंद करो। मैं बता, तीनों में से एक को गलत ठहराना है, ये रहा।
देखो यहाँ पे 2050 है, ये देखो 2005 है वो, 2008 मुझे लगता है ये कौन ये सा? हो सकता है ये, क्योंकि सभी ने कहा है कि अभी अभी जॉइन करा है ना, हाँ। ये भी वाला झूठ बोल रहा है और ये वाला ला सच बोल रहा है, क्योंकि इसके इसके चेहरे पे साफ खुशी दिख रही है और ये भी वाला झूठ बोल रहा है। सी वाला झूठ बोल रहा है गाइस, सी वाला झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऑन करो, ऑन करो, इधर उधर मत नाचे, फ्रेम में आइए, मैं 20 बार बोल चुका हूँ। पहले वाले आदमी की डेट ऑफ बर्थ 2008 है, हाँ। मतलब इसकी एज करीब 15 साल की हुई, हाँ। और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एज 17.5 इयर्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। दूसरे वाले का डेट ऑफ बर्थ 1980 है, मतलब ये करीब 42-43 इयर्स का हुआ। अब इंडियन आर्मी में कोई 42 इयर्स का बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। अरे वाला आदमी 18 साल का है, मतलब ये सच बोल रहा है। तो दो झूठ बोल रहे हैं और एक सच, मेरा गलत निकला, किसका सही निकला? कुछ चोरों ने चोरी कैसे की, कैसे की, समझ नहीं आ रहा था। तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं, मेहुल ध्यान से घर को ऑब्जर्व करता है, इनको ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि चोरों ने चोरी कैसे की। उसके लिए क्या आप सोच के बता सकते हैं? Yes. इधर आओ ना, yes, 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 yes. भागे मत, इतनी दूर मत भागे, बताइए कैसे है? कैसे वो देखो, वो टीवी का, वो टीवी का तार, टीवी का तार हट। और एक और चीज इसमें है, वो कुछ गिरा हुआ है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। भाई मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा, कैसे चोरी की होगी? खिड़की, खिड़की भी खुली हुई है और ये प्लग निकला हुआ है इसका, हाँ, तो खिड़की में से वो आया होगा और फिर बस 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 देखते हैं अब क्या निकलता है सच्चाई। अलमारी विंडो के बिल्कुल पास है और अलमारी के नीचे ऑयल जैसा कुछ पड़ा हुआ है, इसका मतलब चोरों ने विंडो से अलमारी के नीचे ऑयल डाल दिया होगा और फिर अलमारी को बड़ी आसानी से विंडो की तरफ खींच लिया, लॉक तोड़ा, चोरी की अलमारी को वापस खसका दिया। चोर तो बड़े इंटेलिजेंट है लेकिन मेरे उनसे भी बड़ा इंटेलिजेंट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। देखा खिड़की से चोरी हुई, सही बोला उन्होंने, बंद करो दो मिनट। तो पॉइंट हम यहाँ पे देते हैं, सबसे पहले तेल मैंने देखा था, इसने वो देखा था, भाई क्या देखा था, सच बोलियो, इसको आधा पॉइंट देंगे, 0.5, यानी इसका जो है ना 3.5 हो चुका है। आपके भी 3 पॉइंट हो है? मेरे 3 पॉइंट हो चुका है, दीदी के 2, दीदी के 2, ठीक है, ये तो लेकिन आगे तो हम ही है ये, यानी नींबू का रस यही पिएगी। एक कबूतर मरा हुआ, स्टार्ट करो। उसे दोनों के पास जाकर पूछता है तो पहला आदमी कहता है कि उसने बस 1 मिनट पहले ही कबूतर को मारा है, दूसरा आदमी कहता है कि उसने 10 मिनट पहले कबूतर को मारा है। तो लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं दोनों में कौन सा बोल रहा है? या भी सोचे सोचे लॉजिकल आदमी, 2 मिनट पहले किसने किसने मारा? इधर आओ ना, कोई हम उधर उधर क्यों नाच रहे हैं? मैं देखता हूँ किसने मारा होगा, ए वाले ने मारा होगा पक्का। स्टार्ट करो। बी ने मारा होगा या ए ने मारा होगा या तो बी ने। यहाँ से देखिए अभी आसपास पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, अगर गोली 1 मिनट पहले चलती तो यहाँ के सारे बर्ड्स भाग गए होते, मतलब गोली बहुत देर पहले चली है, मतलब ये दूसरा वाला आदमी सही बोल रहा है। ध्यान रहे बर्ड्स को मारना सही। कैसे लगे आप सभी को वीडियो, कमेंट से बता देना और तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कैसे वीडियो एंड होगा, क्योंकि आने वाले को नहीं बोलने से नहीं होता। जल्दी देखो देखो क्या ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर नींबू भरा है, नहीं आमला बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, आधा नींबू काट के खिला देंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि ज्योति का पॉइंट था, ठीक है, ये आधा नींबू ये रहा तो ज्योति पूरा नींबू खा के दिखाएगी। कम ऑन ज्योति, कम ऑन, तुम्हें नहीं पता, रुको रुको, तुम्हें नहीं पता तुम्हें अभी करोड़ों लोग थे, इन करोड़ों में से हजारों में से सिर्फ आपको 10 बंदों की जरूरत है, तो इन 10 बंदों के लिए कर दो।
कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप भी खा सकते हैं।